राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। ये नीति कूटनीति के फेर होते हैं जो आज के दोस्त कल दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दिल के उतने पास आ जाते हैं। फिर यूपी बिहार तो पल में दोस्ती और पल में दुश्मनी की राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। सैफई परिवार ने समाजवादी कैंप में खड़े पापा स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी डॉक्टर संगमित्रा मौर्य को लेकर बड़ा दिल दिखाया है, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। वही संगमित्रा जो विधानसभा चुनाव में अपने पापा के काफिले पर हमले को लेकर भाजपाइयों के खिलाफ बहुत तीखा तीखा बोली थी, अजब राजनीति का ये गजब खेल ही माना जाएगा जो संगमित्रा आज भी भाजपा कैंप में खड़ी नजर आ रही हैं और पापा स्वामी प्रसाद की कृपा से समाजवादियों द्वारा चुनावी केस वापसी का प्रसाद पा रही हैं। जहां पापा वहां बेटी, स्वामी प्रसाद और संगमित्रा की राजनीतिक कहानी इससे पहले तक बिल्कुल ऐसी ही नजर आती थी। 2022 से पहले पापा बेटी की सियासी डगर जिस अजब गजब तरीके से अलग दिखाई दे रही है उसे लोग अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद जिस तरह बसपा से भाजपा और भाजपा से सपा में अहम भूमिका पाए हैं, उनकी पूरी इनसाइड स्टोरी में बेटी संगमित्रा हर जगह साथ खड़ी नजर आती रही हैं। स्वामी प्रसाद जब बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी चेहरों में शुमार थे तो उनके ही प्रताप से संगमित्रा ने राजनीति में कदम रखा था। संगमित्रा बेहद होनहार और पढ़ा लिखा चेहरा होने के साथ पिता की तरह प्रखर वक्ता भी मानी जाती हैं। वह लखनऊ मेडिकल कॉलेज से MBBS कर चुकी हैं। 2010 में वह एटा से पहली बार जिला पंचायत सदस्य चुनी गई थी। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा की टिकट पर संगमित्रा को एटा की अलीगंज सीट से मैदान में उतारा था, मगर वह जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सकी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने संगमित्रा को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मैनपुरी में बसपा की टिकट पर प्रत्याशी बनाया था। संगमित्रा फिर चुनाव हार गईं। 2017 से पहले ही पापा स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी का चुनावी मिजाज भांप लिया और वह भगवा कैंप में आ गए। पापा भाजपा में आए तो संगमित्रा भी उनके साथ पार्टी में आ गईं। स्वामी प्रसाद योगी बन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और 2019 में संगमित्रा को बदायूं से लोकसभा का टिकट दिलाने में कामयाब रहे। समाजवादियों का गढ़ माने जाने वाले बदायूं में भाजपा हर बार की हार से परेशान थी। 2014 में पूरे यूपी में मोदी का जादू चला, तब भी बदायूं में भाजपा को बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ी थी। स्वामी प्रसाद बेटी के लिए टिकट चाहते थे और हार पर हार से परेशान भाजपा बदायूं में मौर्य प्रयोग करना चाहती थी। ऐसे में दोनों की बात बन गई। संगमित्रा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ी और कांटे की लड़ाई में उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पूर्व सांसद छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को हराने में कामयाबी हासिल की और उस वक्त दोनों के बीच हार जीत का अंतर रहा सिर्फ 18,454 वोट। धर्मेंद्र यादव बदायूं से दो बार सांसद रह चुके थे। संगमित्रा से हार में उन्हें गड़बड़ी नजर आई और उन्होंने काउंटिंग में हेरफेर की बात कहते हुए विजेता सांसद संगमित्रा मौर्य के साथ बदायूं प्रशासन के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। आरोप लगाया था कि बिलसी विधानसभा में आखिरी अंतिम राउंड के दौरान लगभग 8,000 वोटों को अतिरिक्त गिना गया। धर्मेंद्र यादव की रिट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य को नोटिस भी जारी किया था। चुनावी तनातनी की कहानी में कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिला है कि पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने संबंधी शपथ पत्र पेश कर दिया। हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि सैफई परिवार ने अपने पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की भाजपा सांसद बेटी के खिलाफ मुकदमेबाजी से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इस यू टर्न पर धर्मेंद्र यादव का मीडिया में बयान भी दिलचस्प आया है। धर्मेंद्र ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, किसी तरह की विरोधाभासी परिस्थितियां न बने इसके लिए ही उन्होंने डॉक्टर संगमित्रा मौर्य के खिलाफ याचिका वापस ले ली है। वैसे सच तो ये भी है कि धर्मेंद्र यादव याचिका वापसी का शपथ पत्र तो मई 2022 में ही दे चुके थे। 3 महीने बाद जब उनका काम पूरा हो गया तब उन्होंने इस बारे में कुछ बोला है। दूसरी ओर सियासी जानकार कह रहे हैं कि बदायूं की सियासत में धर्मेंद्र यादव यानी अखिलेश की सपा का पॉलिटिकल टर्न आगे जरूर कुछ गुल खिलाएगा। बदायूं और बरेली समाजवादी पार्टी का एक बड़ा धड़ा 2024 की तैयारी को देखते हुए
खास मुहिम में जुटा है। ये वो मुहिम है कि बदायूं से डिंपल यादव चुनाव लड़ें और पड़ोसी लोकसभा आंवला के गढ़ में स्वामी प्रसाद मौर्य उतरें। मान लेते हैं कि सपा बदायूं से डिंपल यादव और आंवला से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को लड़ाती है, तो उस वक्त चुनावी खेल कैसा होगा। बरेली से लखनऊ तक सपा में ऐसी चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बदायूं से भाजपा के टिकट के सवाल पर सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्या कह रही हैं कि हमारी पार्टी जो फैसला करेगी उसे वो मानेगी। याचिका वापसी को लेकर धर्मेंद्र यादव ने 2019 की हार को दिल से अस्वीकारा है। वहीं दूसरी ओर बदायूं से भाजपा के टिकट के सवाल पर सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्या कह रही हैं कि हमारी पार्टी आगे जो फैसला करेगी उसे वो मानेगी। याचिका वापसी को लेकर धर्मेंद्र यादव ने 2019 की हार को अब दिल से स्वीकारा है। ये परिवर्तन उनके अंदर कैसे हुआ ये धर्मेंद्र यादव ही बता सकते हैं। वैसे अगर उनका झुकाव भाजपा की तरफ है तो भाजपा में उनका स्वागत है, और जहां तक हमारा सवाल है तो हम भाजपा में ही हैं और भाजपा में ही रहेंगे। देखिए, अभी आपके ही माध्यम से हमें पता चल रहा है कि याचिका वापस ले ली गई है, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो खुद व्यक्तिगत उनकी जो भी इच्छा रही हो, उस वक्त जो भी उनके मन में विचार आया हो उसको लेकर के उन्होंने दाखिल किया होगा, और आज भी अगर उन्होंने वापस लिया है तो ये उनका व्यक्तिगत अपनी जो भी सोच है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि 19 की हार को उन्होंने अब दिल से एक्सेप्ट कर लिया है और ये मान लिया है कि बदायूं ने सांसद जिसको बनाया है, सांसद असल में वही। अगर उनका झुकाव इस वजह से है तो हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। देखिए, हमें किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता है। आपने पिछले 3 सालों में हमें देखा होगा, हम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं। किसी चीज़ का, किसी के जबरदस्ती प्रेशर का या किसी के जबरदस्ती हमें कोई सोचे कि इधर उधर के मामलों में फंसा करके, मुकदमे करके हमें दबा सकता है, तो वो उसमें असफल हुआ है और आगे भी होगा। इसका हम पे ना कभी पहले असर पड़ा है ना आगे पड़ेगा, क्योंकि मैं जनता के द्वारा चुनी हुई हूँ, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ था और आज भी है। तो निश्चित तौर पर हम जनता के चुने हुए लोग हैं, तो जनता पर भरोसा करते हैं और इन सब चीज़ों के पचड़ों में हम लोग नहीं पड़ते। जब हमने उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में किया कि अगर उनका झुकाव हमारी तरफ है तो उनका स्वागत भारतीय जनता पार्टी में है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में, उधर हमारा झुकाव ही नहीं तो हम उधर कहाँ जाएंगे। हम अपने घर में हैं और वहीं पर हम विचार करेंगे और वहीं पर हम बने रहेंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी डिसाइड करती है, कब किसको टिकट देना है ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व का होता है। शीर्ष नेतृत्व जिस पर मुहर लगाएगी वो मान्य होगा, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे, इस बात को लॉक कर लें।